तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। सबसे पहले तो भाई दिल से सॉरी क्योंकि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी था ना। मतलब यही वीडियो में अपलोड करना चाहता था क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच गया था और इस मतलब इतना टाइम नहीं मिला कि थोड़ा सा आधा घंटा टाइम लगा के वॉइस ओवर करूँ, समझ रहे हो ना। बहुत ज़्यादा बिजी था जिसकी वजह से वीडियो मतलब अपलोड नहीं कर पाया, पर ये वाला गेम प्ले देख लो भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अभी के टाइम पर क्या सीन हो रहा है भाई। टॉप 10 भी निकाल रहे हो ना तो मुश्किल से मुश्किल शायद 10-15 का ही प्लस मिल रहा है, पर मैं टॉप 10 यहाँ पे निकालने वाला हूँ और कितना किल रहने वाला और कितना प्लस मिल रहा है भाई, अब लोग खुद देखो फिर बोलोगे भाई हाँ यही स्ट्रैटेजी हमको भी यूज़ करना है, और अब भी करने लगोगे। बस स्ट्रैटेजी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सीन देखो इवेंट पे उतर के ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ और सावधानी के साथ मैंने फाइट लिया और आराम से 2 किल यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अब देखो मेरे पास रिकॉल बचा था और मैं बोलता हूँ भाई जब तक आपके पास रिकॉल है ना आप किल निकाल सकते हो और इवेंट से भागना है, इवेंट से भाग जाओगे ना, यही स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इवेंट से भाग के कहीं और जगह होल्ड कर सकते हो, सबसे बेस्ट जगह होता है ना भाई कोई शॉप पर होल्ड कर लो, रोड साइड जितने भी शॉप वगैरह मिलता है ना उस शॉप पर होल्ड करो तो क्या है ना भाई उधर डेफिनेटली भाई 80-90% चांस है बंदा आएगा ही आएगा और उधर से आप किल निकाल सकते हो रिकॉल होगा तो यही चीज़ मैं हर एक गेम प्ले में यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं रिकॉल लेके भागने वाला हूँ क्योंकि यही स्ट्रेटजी आपको भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बंदा नहीं था और मेरे पे रश वगैरह नहीं हो रहा था, मतलब अभी जो मैं गाड़ी लिया था ना तब की टाइम पर भी एक बंदा मेरे पर रश कर रहा था पर मैंने फाइट नहीं लिया और निकलते निकलते मेरे को एक बॉट भी मिल जाता है और थोड़ा सा आगे आता हूँ ये वाला शॉप पर मैं होल्ड करने की ट्राई कर रहा था और तभी मेरे को और एक बॉट मिल जाता है और आराम से यहाँ पर मेरे को 4 किल भी मिल जाता है। और अभी देखना यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना किल निकालने वाला हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं अपना लूट वगैरह थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, एक्सटेंडेड मैग वगैरह चाहिए तो यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे और यहाँ पे देखना तभी यहाँ पे एक बग्गी का साउंड आता है और कैसे इस भाई को किल करते हैं बस देखो आप लोग। तो पहला किल यहाँ पे निकाल जाता है आराम से क्योंकि यहाँ पे भाई शॉप पे 80-90% चांस है कुछ ना कुछ बंदे आएंगे और तभी आपको किल निकालना है। तो फिलहाल देखो मेरे पास एक फ्यूल कैन पड़ा हुआ था जिसको मैं गाड़ी में डाल ही रहा था और पीछे साइड से मेरे को एक बॉट स्पॉट होता है। इस वाले वार्ड भैया को आराम से किल कर लेते और यहाँ पे आराम से मेरे को 6 किल हो गया था और मेरे को फाइट भाई नहीं लूँगा ना तो भी मेरे को अभी अच्छा खासा प्लस मिलेगा क्योंकि एंड जोन में जाके 1-2 किल तो निकाल ही सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। यही सोच के मैं अपना लूट वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ, जिस भाई को पहले किल किया था ना उधर से मैं अपना जितना हो सका ये ज़रूरी का सामान और एकदम बैग भर के लूट कर लेता हूँ। उसके बाद इस भाई की गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक होल्ड किया था, जो मतलब जहाँ पे मैं होल्ड कर रहा था शॉप वहाँ पे मैं काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ पर एक भी और बंदा नहीं आता और जोन भी क्लोजिंग हो गया था तो मेरे को जोन में भी निकलना था इसलिए मैं अपना थोड़ा सा आगे आके जोन का जो डैमेज था ना वो उसको रिकवर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं निकलता हूँ जोन के अंदर, जोन जो बना था ना भाई रोजोक के ऊपर बना था और यहाँ पे मैं थोड़ा सोच रहा था भी कहाँ होल्ड किया जाए क्योंकि हर एक जगह बंदा होगा और मैं कहाँ जाके बस होल्ड करता हूँ, बस वो चीज़ आप लोग देख लो और बोल सकते हो भाई ये वाला सीन मेरा लकी था, मतलब जैसे मेरे को पोजीशन मिल गया था और ऐसे 80% मैच में तो नहीं मिलता पर इसमें मिल गया था। बस यहाँ पर देखो कहाँ जाके मैं होल्ड करता हूँ,
तो देखो यहाँ पे गाइस कि मैं थोड़ा सा गाड़ी घुमाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे वाला शैक जो ना अम्ब्रेला के लिए खाली मिल जाता है, ऐसे नहीं मिलता रोड साइड में कोई भी शैक। अम्ब्रेला के लिए क्या सीन था इस गेम में, मेरे को अच्छा खासा मतलब जगह भी मिल गया था। अब मेरे को बस यहाँ पे होल्ड करना था और जितना भी गाड़ी वगैरह जाएगा ना उस पर स्प्रे लेना था। और बोलते बोलते यहाँ पे एक बग्गी वाला बंदा जाता है जिसमें तो अच्छा खासा स्प्रे लेता हूँ, पर लकीली एक गोली कनेक्ट होता है वो भी एड पर, बंदा शायद थोड़ा सा डैमेज हो गया था, कोई किल नहीं मिला था। उसके बाद तो देखो मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करता हूँ, ज्यादा मतलब इधर तो झांकता भी नहीं हूँ क्योंकि सबके पास स्नाइपर होता है। अभी सोलो में क्या है ना भाई, सोलो में स्नाइपर और शॉटगन बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करता हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट जोन बनता है ना और जोन जब क्लोज इन होने लगता है ना, तभी देखता हूँ एक बीआरडीएम वाला बंदा आता है मेरे सामने से, और तभी उसके पीछे से एक बंदा पैदल आ रहा था और इस भाई को कैसे किल करता हूँ बस देखो आप लोग। यहाँ पे भाई कुछ गलत ही सीन हो गया था भाई, मैं बीआरडीएम वाले बंदे को तो किल कर देता हूँ पर मेरे को कोई और बंदा किल कर देता है दूर से। पर जिस बंदे ने मेरे को किल किया था ना भाई, वो बंदे का थोड़ा सा केडी वगैरह आप लोग देख लो, मतलब एफडी भाई खतरनाक सा था और उसमें मेरे को 24 का भी प्लस मिला, ये भी देख लो मतलब। और यहाँ पे सबसे पहले इसका केडी देखो भाई, 12 का केडी भाई कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट लगा। तो मैं अपना काम यहाँ पे कर देता हूँ रिपोर्ट वगैरह, तो आपको क्या लगा कमेंट करके एक बार बता सकते हो बंदा लेजिट था या कुछ गलत सीन था। पर कोई नहीं, मेरे को अच्छा खासा गेम गया था, यहाँ पे किल भी देख सकते हो मतलब प्लस भी देख सकते हो, अच्छा खासा मिला है 24 का। बस मेरे पास किल था और #4 सर्वाइव किया, तो सबसे पहले सर्वाइव के साथ ही किल निकालो अभी के टाइम पे प्लस निकालना है तो, और जितना हो सके उतना जल्दी करो। शायद 20-21 दिन का टाइम आसपास टाइम है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करोगे तो ही आपको मतलब कॉन्कर देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना दिन जाएगा ना उतना प्लस कम देखने को मिलेगा, यही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। और आप लोग ट्राई करके देखो, जितना हो सके ये वाला स्ट्रेटजी यूज़ करो, जितना हो सके करो, देखना आराम से आपको बहुत अच्छा खासा प्लस मिलेगा। और इस मैच के बाद कितना रैंक वगैरह चला गया देख सकते हो, 1200 के अंदर मैं रैंक लेके आ चुका हूँ। अभी शायद थोड़ा सा रैंक बढ़ गया क्योंकि एक दिन मैंने नहीं खेल पाया था इतना कुछ खास, तो यही सीन है। और आप लोगों का रैंक ऑर्डर एक बार ज़रूर बता देना कमेंट करके, तो मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर देना और चैनल पर नया आया ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।